one end of copper rod of uniform cross section of length 1.5 meter. तो एक copper rod है जिसकी लंबाई 1.5 meter है, is kept in contact with ice. Ice का मतलब एक end 0 degree Celsius पे है और दूसरा 100 degree Celsius पे है, 0 और 100 पे है. At what point along its length, उसकी length के ऊपर किस point पे should temperature of 200 degree Celsius should be maintained? एक एंड जीरो पे है, एक हंड्रेड पे है, तो बताओ कहाँ पर मैं टेम्परेचर 200 मेंटेन करूँ ताकि स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड सेम रहे, मास ऑफ आइस मेल्टेड बी इक्वल टू दैट ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब कि अगर यहाँ पर आइस पड़ी हुई है जीरो पे, यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है हंड्रेड पे, और ये लेंथ टोटल 1.5 है, मैं कहाँ टेम्परेचर मेंटेन करूँ 200 का, तो मान लो यहाँ मेंटेन करूँ सच दैट ये लेंथ कितनी है x, तो ये कितनी है 1.5 माइनस x, सच दैट कि हीट ट्रेवल करे 200 से 100 पे और हीट ट्रेवल करे 200 से 0 पे, 200 से 100 पे, क्योंकि हीट अब दोनों तरफ जाएगी, फ्रॉम हायर टू लोअर, फ्रॉम हायर टू लोअर, ताकि जो हीट यहाँ से यहाँ आएगी वो आइस को मेल्ट कर दे और जो हीट यहाँ से यहाँ आएगी वो गर्म पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दे, और रेट जो है आइस मेल्ट करने का, आइस बनने का और इधर से स्टीम बनने का, वो रेट सेम रहे. मतलब एम अमाउंट ऑफ मास अगर आइस बन रहा है एक सेकेंड में, तो एक सेकेंड में एम अमाउंट ऑफ वाटर किस में बन जाए, स्टीम में बन जाए, ये चाहता हूँ मैं. तो रूल नंबर वन, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट क्या चाहिए, एम एल, और स्टीम बनने के लिए हीट क्या चाहिए, ml. बस एक में फर्क है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, एक में फ्यूजन है. तो स्टार्ट करते हैं. तो हीट जो आइस की तरफ आएगी वो 200 से 100 की तरफ आएगी और डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, x. तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ka ए टेम्परेचर का डिफरेंस, हीट अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, हीट अपॉन टाइम q बाई टी डिवाइडेड बाई लेंथ x. तो ये फॉर्मूला राइट हैंड साइड किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला है हीट पर सेकेंड का फॉर्मूला है, ठीक है. और ये आइस को जब मिलेगा तो आइस मेल्ट होगी, q इज इक्वल टू ml, वेयर m यहाँ पर m का मतलब है मास ऑफ आइस मेल्टेड पर सेकेंड, ये लिख लेना. m का मतलब यहाँ पर मास नहीं है, यहाँ पर मास पर सेकेंड है, तभी यूनिट सही बैठेंगे ना. तभी तो ये बनेगा हीट पर सेकेंड और ये भी क्या बनेगा, हीट पर सेकेंड. तो ये हीट पर सेकेंड आई और ये हीट पर सेकेंड जो आई उससे आइस क्या हो गई, मेल्ट हो गई, m अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो गई पर सेकेंड. सिमिलरली 200 से 100 तक हीट जाएगी इतनी और डिस्टेंस कवर करेगी 1.5 माइनस x और स्टीम के लिए m into l where m is amount of mass per second. तो ये दो इक्वेशंस बन गई आपके पास, दोनों को डिवाइड कर लो तो ka कैंसल, लेटेंट हीट आइस की और स्टीम की गिवन है और यहाँ से x कैन बी कैलकुलेटेड, आंसर आ गया, आपको x निकालना है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें आप लेंथ निकालेंगे x, ठीक है यहाँ तक. तो थर्मल कंडक्टिविटी की इस प्रॉब्लम के बाद जो आपकी नेक्स्ट शीट है, शीट नंबर 140, ये आपका होमवर्क है. 140 ये सब अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने सारी ट्राई करनी है, ठीक है, ये सारी ट्राई करनी है. तो जो हमने काम किया वो सारे का सारा ये ट्राई करना है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. इसके बाद जो नेक्स्ट है 141, इसमें एक शॉर्टकट बताया हुआ है कि अगर मान लो कंडक्टर्स दो रॉड्स सीरीज में हैं या दो रॉड्स पैरेलल में हैं, तो मान लो दो रॉड्स अगर सीरीज में हैं और एक दो डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई रॉड्स हैं K1 एंड K2, तो एक एल्यूमिनियम एक कॉपर है जैसे K1 एंड K2, मैं ये चाहता हूँ कि दो रॉड की जगह मैं एक रॉड लगाऊँ और अफेक्टिव K निकालूँ कि इक्वलेंट K क्या होगा, इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है. ऐसे अगर ये पैरेलल में है तो इक्वलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है. तो अगर ये सीरीज में है, डिस्टेंस लेंथ इसकी d1 है, लेंथ इसकी d2 है और रेजिस्टेंस इसकी r1 r2 और टेम्परेचर t1 एंड t2, तो सीरीज के अंदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a सबका a है. दो रॉड की जगह मैंने एक रॉड लगाई जिसकी लेंथ ऑब्वियसली d1 प्लस d2 हो जाएगी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस rs हो जाएगी. तो याद रखना सीरीज के अंदर हीट फ्लोइंग पर सेकेंड हमेशा सेम रहती है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से जाएगी वही हीट इसके अंदर एंटर कर जाएगी, तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड विल रिमेन सेम. वैसे इसको करने के तरीके में थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज़ किया, इसमें शॉर्टकट लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का लगा दिया. इलेक्ट्रिसिटी में जैसे दो रेजिस्टेंसेज होती हैं R1 R2 सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है R1 प्लस R2,
और हमने थर्मल रेजिस्टेंस लास्ट टाइम डिस्कस की थी, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था लेंथ अपॉन के ए, तो डराइव किया था। तो पहली रॉड की लेंथ डी वन है और के वन है और एरिया ए है, दूसरी की डी टू है के टू है एरिया ए है, और जब दो रॉड की जगह एक रॉड लगेगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, डी वन प्लस डी टू, एरिया सेम रहेगा और के की जगह के ऑफ एस हो जाएगा। तो यहाँ से एरिया 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 कैंसिल, तो ये रिलेशन आ जाएगा। और अगर लेंथ भी दोनों रॉड्स की बराबर है, डी वन इज इक्वल टू डी टू इज इक्वल टू डी, तो ऐसे केस में हर जगह डी वन डी टू की जगह डी 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 पुट करके डी 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 कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 बाई के एस इज 1 बाई के वन 1 बाई के टू। तो अगर रॉड आज के पास सीरीज में है तो इस शॉर्टकट से आप सीधा अपना फॉर्मूला लगाएं, अपना आंसर आएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने का। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर रॉड पैरेलल में है, अगर दो रॉड पैरेलल में है, एक के ऊपर एक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है और इसका ए टू है, पर लेंथ सबकी सेम है, डी 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 लेंथ रॉड की सबकी सेम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस टी वन टी टू है। तो रूल ये है पैरल का कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड जो भी आती है वो कुछ अपर रॉड में चली जाएगी और कुछ लोअर रॉड में चली जाएगी, क्योंकि एरिया डिफर कर रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि बराबर बराबर हीट जाएगी, किसी में हीट ज़्यादा जा सकती है, किसी में कम जा सकती है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड जो टोटल आएगी वो पहली रॉड में जाएगी और दूसरी रॉड में जाएगी, लेकिन टोटल हीट विल रिमेन सेम। हालांकि करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी वाला, क्योंकि हमें पता है कि पैरल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, 1/R1 1/R2। तो आप R1 की जगह पुट कर लेना D बाई के वन ए वन, यहाँ पर करेक्शन करेंगे, एरिया बराबर नहीं है, एरिया यहाँ पर ए वन है और दूसरी रॉड के लिए एरिया ए टू है, और जो कंबाइंड रॉड बनेगी उसका एरिया ए वन प्लस ए टू हो जाएगा, मोटी रॉड बनेगी, लेंथ रिमेनिंग दी सेम और के पी। तो यहाँ पर एरिया ए वन ए टू लगाना, तो ये पहली रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रॉड की थर्मल रेजिस्टेंस है और ये इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा डी 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 कैंसिल। और स्पेशल केस है, अगर एरिया भी बराबर हुआ दोनों रॉड्स का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर हुआ, तो एरिया भी कैंसिल होकर आपके पास ये आंसर आएगा। हालांकि इस एनसीईआरटी में आने का चांस कम है, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन दिखेंगे इसके सीरीज और पैरेलल के, पर कैसे करने समझ में आ रहा है यहाँ तक, एनसीईआरटी वाली शीट जो अभी मैंने होमवर्क दी वो एनसीईआरटी की शीट है, तो वो वाला काम एनसीईआरटी का था। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं, कैसे यूज करेंगे आज हम इसको देखेंगे भी। नेक्स्ट जो है इसमें शीट नंबर 148, इसमें ये एनसीईआरटी की शीट नहीं है, ये कंपटीशन की शीट है। इसके अंदर आपको क्या गिवन है, 147 या 148 होगी, चेक करो, 147, ओके, ठीक है। तो इसके अंदर पहले फॉर्मूला रिवाइज करवाया हुआ है हमने, ट्रांसफर ऑफ हीट का कंडक्शन में क्या फॉर्मूला सीखा हमने, ये फॉर्मूला सीखा कि Q की वैल्यू क्या होती है, के ए टेम्परेचर डिफरेंस और अपॉन डिस्टेंस डी, Q बाई टी का ये फॉर्मूला हमने कर लिया, ये फॉर्मूला। फिर हमने देखा थर्मल रेजिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन लेंथ अपॉन के ए, ये भी हमने कर लिया। फिर हमने सीरीज का फॉर्मूला किया, सीरीज में ये फॉर्मूला भी डराइव किया। फिर हमने पैरेलल किया, पैरेलल में ये फॉर्मूला डराइव किया। आपने ये क्वेश्चन करना है, दो रॉड्स हैं, दो रॉड्स हैं, पहली रॉड ए से लेके बी तक स्ट्रेट है और दूसरी रॉड कर्व्ड है। जो स्ट्रेट है उसकी लेंथ है 2R और जो कर्व्ड है उसकी लेंथ है पाई आर। टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू ए और बी दोनों में सेम है, मान लो ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है, तो इस रॉड में भी T1 माइनस T2 और इस रॉड में भी T1 माइनस T2 है, टेम्परेचर डिफरेंस में कोई चेंज नहीं। तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। आपको हीट पर यूनिट टाइम की रेशियो निकालनी है, क्या होगी हीट Q बाई टी की रेशियो यहाँ पर और Q बाई टी की रेशियो यहाँ पर क्या होगी, आपको बताना है इस क्वेश्चन में क्या होगा। पहले पॉइंट नंबर वन, दोनों रॉड्स का टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 या डेल्टा T सेम है, क्योंकि दोनों का जंक्शन सेम है A और B, टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम है, एज्यूमिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और दोनों सेम मटीरियल की बनी हुई हैं, तो थर्मल कंडक्टिविटी K भी दोनों में सेम है। तो हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, के एरिया डेल्टा टी अपॉन लेंथ एल। अब क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों रॉड्स का सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी के भी सेम है, सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो रेट ऑफ हीट यानी कि हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो दो रेशियो लगेंगी इसमें, एक कर्व्ड के लिए एक स्ट्रेट के लिए। कर्व्ड के लिए हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ
और स्ट्रेट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आपको ये स्ट्रेट की लेंथ पता है 2r है और कर्व्ड की लेंथ कितनी गिवन है पाई आर है, आप इन्हें डिवाइड कर ले आंसर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला दोनों रॉड्स के लिए लगाया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और लेंथ की वैल्यू को पुट किया आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन है कि आपके पास तीन रॉड्स हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, एक की K2, एक की K3 है, P और Q दो पॉइंट्स हैं। तो वो क्या कह रहा है, हीट फ्लो रेट, हीट फ्लो रेट का मतलब हीट फ्लोइंग पर सेकेंड Q/T फ्रॉम P टू Q, P से लेके Q तक सेम है, चाहे आप हीट फ्लो सीधी करवा लो चाहे आप इन रॉड्स के थ्रू करवा लो। तो वो यही कह रहे हैं थ्रू K3 या K1 एंड K2 सेम है, आप K1 K2 का रास्ता ले लो या फिर आप K3 का रास्ता ले लो, हीट फ्लोइंग पर सेकंड दोनों रास्तों में सेम है। तो रिलेशन निकालो K1 का, K2 का और K3 का क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, वो ये कि अगर ये P है और ये Q है और ये K3 रॉड है, ये जो दो रॉड्स हैं K1 एंड K2, K1 K2 दो रॉड्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद एक सीरीज में कनेक्टेड है। तो आप दो रॉड्स की जगह पहले एक ही रॉड लगाओ, बस वो एक रॉड सीरीज का फॉर्मूला लगेगा 2 × K1 × K2 / K1 + K2 जो आज हमने फॉर्मूला किया, इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब हमारे पास कुल मिला के दो ही रॉड्स हो गई, एक ऊपर वाली रॉड है और एक नीचे वाली रॉड है। तो दो रॉड सीरीज में थी, दो की जगह एक रॉड लगा दी हमने, क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो एक रॉड नीचे लगा दी, एक रॉड हमने ऊपर लगा दी, ठीक है यहाँ तक? तो अब हीट फ्लोइंग पर सेकंड सेम है, तो हीट फ्लोइंग पर सेकंड सेम कर देते हैं, तो जो नीचे वाली रॉड है PQ, ये वाली रॉड है, तो थर्मल कंडक्टिविटी K3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, टेम्परेचर डिफरेंस P और Q में Δt और लेंथ इसकी L, इक्वेशन ऐसी Q/T कॉम्बिनेशन में लगेगा KS में, यानी कि जो KS का मतलब सीरीज में कनेक्टेड रॉड है, KS एरिया सेम इसका भी, Δt इसका भी सेम क्योंकि एंड पॉइंट तो वही है इसके भी, लेंथ 2L क्यों, क्योंकि L + L यहां पर क्या हो जाएगा 2L, तो लेंथ यहां ट्वाइस लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है यहां तक? तो लेंथ आपने ट्वाइस ली और KS की जगह क्या पुट कर दिया, 2 K1 K2 / K1 + K2 यहां पुट कर दिया, L से L कैंसिल, सॉल्व करके आपके पास K1 K2 और K3 का आंसर आ जाएगा। तो रूल समझ में आ रहा है यहाँ तक, हीट फ्लोइंग पर सेकंड नीचे वाली और ऊपर वाली रॉड में इक्वेट कर दिया, लेंथ नीचे की L ही रहेगी और ऊपर की 2L हो जाएगी और सीरीज का फॉर्मूला पुट कर दिया। तो कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करना है वो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन फॉर नॉन मेडिकल, मेडिकल में मुश्किल है, NCERT में नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि आपके पास एक स्फेयर है, शेल है रादर, ये हॉलो है अंदर से, ये पिंक कलर का देखो, ये अंदर का रेडियस है a और ये बाहर का रेडियस है b और ये सॉलिड का बना हुआ है, ठीक है, शेल है, इनर रेडियस a, आउटर रेडियस b। तो इसके अंदर ये मेंशन्ड है कि अगर अंदर का रेडियस a है और बाहर का रेडियस यहाँ पर b है, अंदर का a है बाहर का b है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है बाहर का वो T2 है, अंदर का टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, T2 बड़ा है और T1 छोटा है, तो पक्की बात है हीट ट्रेवल करेगी अंदर ही अंदर फ्रॉम T2 से लेके T1, हीट ट्रेवल करेगी T2 से T1। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो हीट ट्रेवल करेगी dQ/dt वो कॉन्स्टेंट रेट से ट्रेवल कर रही है, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ हीट आ रही है और कॉन्स्टेंट रेट से आ रही है, फाइन dQ/dt को निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। प्रॉब्लम यह है कि मैं dQ/dt का फॉर्मूला तो लगा दूं एक बारी में, दिक्कत यह है कि यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि स्फेयर जब बड़ा है तो बड़ा एरिया,
फिर अंदर हीट आ रही है तो अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, तो एरिया छोटा होता जा रहा है। जब हीट एंटर करेगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर अंदर एरिया छोटा हो रहा है, तो वेरिएबल है एक चीज़, तो इंटीग्रेशन ही एक तरीका है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? तो हम इकट्ठी हीट फ्लोइंग पर सेकेंड नहीं निकाल पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा शेल लेंगे, दो ए और बी की जगह पेंसिल से बना हुआ है, मैंने एक आर्बिट्री शेल ले लिया, मैं इसके अंदर इसका रेडियस आर मानता हूँ, थिकनेस डी आर मानता हूँ, और चेंज इन टेम्परेचर डी टी मानता हूँ बस। तो मैं इस शेल में बाहर से अंदर हीट लेके आ रहा हूँ डी क्यू बाई डी टी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इन स्मॉल टाइम डी टी, जिसका फॉर्मूला के एरिया, कितने एरिया में हीट एंटर कर रही है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस मैंने आर माना 4 पाई आर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस मैंने कितना माना डी टी, और लेंथ क्या है इसकी, थिकनेस, थिकनेस क्या है इसकी डी आर। स्मॉल शेल पे फॉर्मूला लगा दिया, आपको इसमें क्या निकालना है, डी क्यू बाई डी टी जो कि क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आर वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ, टेम्परेचर वाली एक तरफ, आर वाली एक तरफ। अब लिमिट लगा लेते हैं, अब इंटीग्रेशन, आपका जो आपकी हीट आ कहाँ से रही है, आउटर शेल से, आउटर शेल का रेडियस क्या है बी, इनर शेल का रेडियस क्या है ए, तो क्या लिमिट लगेगी बी से लेके ए तक। जब बी आउटर शेल है वहां टेम्परेचर कितना है टी टू, टी टू, जब बी है तो टी टू, और इनर शेल का रेडियस है ए है तो टेम्परेचर कितना है टी वन, तो टेम्परेचर की लिमिट टी टू से टी वन, तो बी से ए, टी टू से टी वन। तो यहां से 1 बाई आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आर की पावर -2 की आर की पावर -1 बाई -1, ये तो 1 dt की t1 माइनस टी टू आ जाएगी, माइनस बाहर आ गया 1 बाई आर, एक बार आर की जगह अपर लिमिट, एक बार आर की जगह लोअर लिमिट, सॉल्व करके डी क्यू बाई डी टी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको मिल सकता है, तो आप इस ऑब्जेक्टिव को ऐसे मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो इसी पैटर्न पे, ये पॉइंट समझ में आ गया कैसे किया, इसी पैटर्न के ऊपर एक और क्वेश्चन आ गया, इस बार स्फेयर की जगह सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर कैसे दे दिया, यहां टेम्परेचर टी टू है, यहां टेम्परेचर टी वन है, लेंथ इसकी एल है, और अंदर का रेडियस ए है, बाहर का रेडियस बी है, फिर डी क्यू बाई डी टी निकालना है, फिर हीट बाहर से अंदर आएगी, फिर एरिया चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शन का, फिर एक पेंसिल से बनाया हुआ एक शेल ले लिया, तो ये शेल लिया जिसका रेडियस आर है, जिसकी थिकनेस डी आर है, और टेम्परेचर चेंज डी टी है, फिर अंदर वाले शेल में फिर वही सेम फॉर्मूला लगा दिया, पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार चेंज है, तो इसका पेंसिल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल, ही 2 पाई आर एल में एंटर कर रही है, आर वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, फिर वही चीज, आउटर टेम्परेचर टी टू, इनर टी वन, आउटर रेडियस बी से लेके ए तक। तो 1 बाई आर की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग ऑफ आर, 1 dt की टी, टी वन माइनस टी टू, तो यहां पर आर की जगह एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज लॉग ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी क्यू बाई डी टी कैन बी कैलकुलेटेड। सेम चीज है, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, एक ही पहला स्टेप वही है, उसके बाद लिमिट लगानी है, अपने आप आंसर आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी का। जो आखिरी क्वेश्चन ये वाला है, ये नीट और मेन्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है, प्लीज दोनों के लिए। क्वेश्चन ये है कि आपके पास सपोज एक सिलेंडर है, ठीक है, जैसे सॉलिड सिलेंडर है, ये रहा एक सिलेंडर, ये इसका आउटर पोर्शन है और ये इनर पोर्शन है, ये ऐसा है, ये आउटर और ये इनर, ये ऐसा है, ठीक, सच दैट जो इनर पोर्शन है वो अलग मटेरियल का बना हुआ है K1, सॉलिड है K1, और जो आउटर ये वाला पोर्शन है ये अलग मटेरियल का बना हुआ है K2, इसे अंदर कॉपर बाहर एल्यूमिनियम। ठीक, क्वेश्चन है आपको ये गिवन है कि इसका अंदर का रेडियस आर है और ये वाला रेडियस इसका 2R है, तो क्वेश्चन है कि इन दो थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 की जगह इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालो क्या होगी। तो रूल ये है कि यहां से जो भी हीट फ्लोइंग पर सेकेंड आएगी वो कुछ इस मटेरियल में जाएगी, क्योंकि K1 K2 में से कोई ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, कुछ कम अच्छा कंडक्टर होगा, तो सेम तो जाएगी नहीं, तो कुछ हीट जाएगी मान लो इसके अंदर, हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इसके अंदर, और कुछ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड किस में जाएगी, इसके अंदर। तो टोटल हीट फ्लोइंग पर सेकेंड
will be equal to heat flowing per second first के लिए plus heat flowing per second के लिए. ये लो. तो obviously जो heat flowing per second total आएगी वो कुछ अंदर के conductor में चली जाएगी, कुछ बाहर में चली जाएगी, distribute होगी energy conservation. Clear है यहाँ तक? तो इसमें मैं heat flowing per second का formula put करूँगा. देखो कैसे. तो इसके अंदर मैं ये put करने वाला हूँ. तो पहला step तो clear है. अब ये important step ये है. सबसे पहले अंदर का ये portion लेते हैं, dQ by dT1 निकालते हैं इसका. फॉर्मूला देखें, K1 एरिया इंपॉर्टेंट है. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर में एंटर कर रही है हीट, पाई आर स्क्वायर. टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन लेंथ एल. क्लियर हो गया? ठीक हो गया यहां तक? अब मैं हीट फ्लोइंग पर सेकेंड किस में निकालूंगा? आउटर मटीरियल में निकालूंगा. आउटर मीन्स इसमें जो मैं शेड कर रहा हूं, ये ध्यान से देख लेना, जो मैं शेड कर रहा हूं इसके अंदर से हीट जाने वाली है. देखो, जो मैं शेड कर रहा हूं इसके अंदर से हीट जाने वाली है, ऐसे ये वाली हीट. तो इसके अंदर से जो हीट जाएगी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? पाए 2R² माइनस पाए R², ये इंपॉर्टेंट है. तो देखो, जो मैंने हीट फ्लोइंग पर सेकेंड में K2 लिया, K2 में एरिया क्या लिया? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, तो जाके ये वाला आउटर एरिया आएगा. ठीक है? टेम्परेचर डिफरेंस इसका भी सेम, लेंथ इसकी भी सेम. क्लियर हो गया? और लास्ट, अगर मैं दोनों स्फेयर की, दोनों सिलेंडर की जगह एक सिलेंडर ले लूं इसी साइज का, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी के इफेक्टिव है, एरिया क्या लूंगा? पाई इंटू 2R² क्योंकि उसके अंदर तो पूरी की पूरी हीट एक ही बारी में मैं पास कर दूंगा. तो पाई इंटू 2R² डेल्टा टी बाई एल. सॉल्व कर लेना. सॉल्व करके आपके पास के इफेक्टिव की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? सारी गेम इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट वाले में तो पाई आर स्क्वायर, इस पोर्शन के लिए पाई 2R² माइनस पाई R², और पूरे के लिए पाई 2R², बस इसी से आंसर आ जाएगा. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे थर्मल कंडक्टिविटी की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें.